हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए, जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मैं श्री रघुनाथ जी के सिवा किसी दूसरे पुरुष का मन से भी चिंता नहीं करती। यदि ये सत्य है तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। भगवान श्री राम को छोड़कर मैं किसी दूसरे पुरुष को नहीं जानती। मेरा कहना यदि सत्य हो तो भगवती पृथ्वी देवी इसी क्षण मुझे अपने गोद में स्थान दे। हम दोनों अपने पिता के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। और उस दिन भूत से यदि कोई अवज्ञा हो गई हो तो उसके लिए हम महाराज से क्षमा मांगते हैं। आप दोनों कहना चाहते हैं क्या आप हमारे पुत्र हैं? जी महाराज। इसका प्रमाण हम दोनों ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला और ना ही हमारे गुरुदेव का लेखा झूठ हो सकता है। इसलिए आपको ये बात माननी चाहिए कि जो कथा हमने आपको सुनाई है वह सत्य है। हम तुम्हारे सत्य का विरोध नहीं करते, परंतु अयोध्या के राजकुमार कहलाने और इतने बड़े राज्य के उत्तराधिकारी होने के लिए उस सत्य को सिद्ध करना पड़ेगा। प्रजा इसका प्रमाण पूछेगी और वो प्रमाण तुम्हारी माताजी दे सकती है। महाराज ठीक कहते हैं, महारानी सीता को इसका प्रमाण देना ही चाहिए। अब प्रमाण की क्या आवश्यकता है? महर्षि वाल्मीकि जैसे त्रिकालदर्शी ने जो लिख दिया है वही प्रमाण है। अब हमें महारानी सीता को आदर सहित वापस बुलाकर उन्हें फिर से अपने राज्य सिंहासन पर सुशोभित करना चाहिए। हमें तो माता सीता के चरणों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगनी चाहिए। अब भी उनसे प्रमाण मांगना अत्याचार है। अग्नि परीक्षा से बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? और वो ये प्रमाण दे चुकी हैं। परंतु वो अयोध्या वासियों ने नहीं देखी। देवी सीता को स्वयं आकर अपनी शुद्धता का प्रमाण तो देना ही चाहिए। एक बार प्रजा के सामने आकर अपने मुंह से जो कह देगी हम मान लेंगे। ये अन्याय है, ये अत्याचार है, यही धर्माचार है। इसका निर्णय कौन करेगा? गुरुदेव से पूछा जाए। हाँ गुरुदेव से पूछो।
राजा में ईश्वर का अंश होता है, इसलिए राजा ही इसका निर्णय करें। उनकी बात सबको स्वीकार करनी होगी। देवी सीता का चरित्र शुद्ध है। उनमें किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है। फिर राज सिंहासन की उच्च मर्यादा स्थापित रखने के लिए यह उचित है कि वो महर्षि वाल्मीकि की अनुमति से कल इस सभा में आकर सारे जन समुदाय के सामने अपनी शुद्धता की शपथ लें, जिससे यह लोकापवाद सदा के लिए समाप्त हो जाए और हम राज सिंहासन पर उन्हें सम्मानपूर्वक बिठा सके। सभी पूज्यपाद ऋषिगण अपने शिष्यों सहित सभा में पधारे। समस्त राजा लोग भी उपस्थित हो। और भी जो कोई देवी सीता की शपथ सुनना चाहे वो कल इस सभा में आए, जिससे सभी लोग एकत्रित होकर सीता का शपथ ग्रहण देखें। यह स्त्री का अपमान है, उसकी विडंबना है, परंतु पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ सहन करती है। इसलिए श्री रघुनाथ जी जो आज्ञा देंगे सीता वही करेगी। ये कहां का न्याय है रे? स्त्री होने का इतना बड़ा दंड? मेरी दृष्टि में तो पहली अग्नि परीक्षा भी अनुचित थी। यदि तुम्हारे मन में विश्वास नहीं है तो हजार अग्नि परीक्षा हो, हजार शब्दों का कोई अर्थ नहीं। और यदि विश्वास है तो उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं। तू कितना कठोर है रे। तेरे पुत्र, तेरे कलेजे के टुकड़े तेरे सामने खड़े तुम्हें पिता कहकर पुकार रहे हैं और तू उन्हें जाकर अपने कलेजे से भी नहीं लगा सका, उनसे प्रमाण मांगने लगा। तेरा जी नहीं किया कि उन्हें उठाकर अपनी गोद में बिठा ले? किया था। तो फिर क्यों चुपचाप सिंहासन पर बैठा रहा? मेरे पैरों में राजधर्म की बेड़ियां हैं मां। आप एक राजा की विवशता तो समझिए कि मन में सीता की पवित्रता और अनन्य प्रेम पर पूर्ण विश्वास होते हुए मैं जीवन भर उसी की भांति धरती पर सो सकता हूं, उसी की भांति सन्यासी का जीवन बिता सकता हूं, परंतु प्रजा में एक भी अपवाद जब तक बाकी है उसका हाथ पकड़कर उसे राज सिंहासन पर नहीं बिठा सकता। आज आपने सभा में कुछ आवाजें सुनी, राज्य में ऐसी और भी कई आवाजें होंगी।
इसीलिए मैंने वो निर्णय लिया कि यदि सीता प्रजा के सामने सभा में अपनी पवित्रता की शपथ ग्रहण कर ले तो फिर प्रजा में कोई विरोधी आवाज नहीं रह जाएगी। ये राजधर्म किसने बनाया? क्यों बनाया रे? क्यों? पुत्री, प्रजा में एक भी विरोधी आवाज न रहे इसलिए जो महाराज राम ने निर्णय लिया है वो उचित है। तुम उनकी विवशता देखो, वो मन से तुम्हें पवित्र समझते हैं, आत्मा से सदा तुम्हारे साथ बसते हैं, तुम्हारे वियोग में वो तुमसे अधिक दुखी होंगे, परंतु राजा होने के नाते उन्हें राजधर्म इस प्रकार पालना ही पड़ता है जिससे आदर्श के कीर्तिमान स्थापित हो। यही समय है उस अपकीर्ति को धोने का। प्रजा में पश्चाताप की लहर बढ़ रही है। ऐसे समय राम तुम्हें शपथ लेने के लिए कहते हैं जिससे यह अपवाद पूर्णता मिट जाए। तुम्हें राम की सहायता करनी है। ठीक है गुरुदेव, मैं अवश्य उनकी सहायता करूंगी। मैं वही करूंगी जिससे ये अपवाद सर्वदा के लिए मिट जाए। आप निश्चिंत रहिए, कल के पश्चात फिर ये अपवाद कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। महाराज राम की आज्ञा अनुसार देवी सीता इस राजसभा में पधारी हैं। हे दशरथ नंदन,
ये सीता उत्तम व्रत का पालन करने वाली मेरी धर्मपुत्री है। अब आप इसे आज्ञा दें कि वो अपनी पवित्रता की शपथ ले। लोका अपवाद से डरे हुए आपको वो अपनी शुद्धता का विश्वास अवश्य दिलाएगी, परंतु इससे पहले समस्त सभासद, गुरुजन, माताएं और आकाश में स्थित देवता मेरी एक बात सुन ले। मैं प्रचेता का 10वां पुत्र वाल्मीकि हूं। मेरे मुंह से अभी तक कभी कोई झूठ नहीं निकला और मैं इस सभा में प्रमाण पूर्वक कहता हूं कि दोनों आप ही के पुत्र हैं। मैंने कई हजार वर्ष भारी तपस्या की है, यदि मिथिलेश कुमारी सीता में कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्या का कोई फल न मिले। मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा पहले कभी कोई पाप नहीं किया है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता निष्पाप हो तभी मुझे अपने उस पुण्य कर्म का फल प्राप्त हो, अन्यथा मेरे सारे पुण्य कर्म निष्फल हो जाएं। रघुनंदन, मैं जानता हूं कि आपको सीता प्राणों से अधिक प्यारी है और आप ये भी जानते हैं कि सीता सर्वथा शुद्ध है तथा आप लोकापवाद से कलुषित चित्त होकर आपने उसका त्याग किया है। हे राघव, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने अपनी पांचों इंद्रियों और मन बुद्धि के द्वारा सीता की शुद्धता का भली भांति निश्चय करके ही उसे अपने संरक्षण में लिया था। महाराज, मैंने दिव्य दृष्टि से यह जान लिया था कि सीता का भाव और विचार परम पवित्र है, इसीलिए यह मेरे आश्रम में प्रवेश पा सकी है। इसका आचरण सर्वथा शुद्ध है, पाप इसे छू भी नहीं सकता है तथा यह पति को ही देवता मानती है। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास हो तो इसे पूर्ण आदर के साथ ग्रहण करें और इसे राज सिंहासन पर स्थान दें। जो कहते हैं उस पर मुझे पूर्ण विश्वास है। महाभाग, आप धर्म के ज्ञाता हैं। आप सीता के संबंध में जो भी कह रहे हैं वो सब ठीक है। भगवान, मुझे आपके निर्दोष वचनों से जनक नंदिनी की शुद्धता पर पूरा विश्वास हो गया है। एक बार पहले भी देवताओं के समीप मिथिलेश कुमारी की शुद्धता का विश्वास मुझे प्राप्त हो चुका है। उस समय सीता ने अपनी शुद्धि प्रमाणित करने के लिए शपथ ली थी, जिसके कारण मैंने इन्हें अपने भवन में स्थान दिया। किंतु आगे चलकर फिर बड़े जोर का लोक अपवाद उठा, जिससे विवश होकर मुझे इनका त्याग करना पड़ा।
ब्रह्मन, ये जानते हुए भी कि सीता सर्वथा निष्पाप है, मैंने समाज के भय से इन्हें छोड़ दिया। अतः आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। मैं यह भी जानता हूं कि ये जुड़ हुए कुमार, कुश और लव दोनों मेरे ही पुत्र हैं। तथापि जन समुदाय में शुद्ध प्रमाणित हो जाने पर ही मिथिलेश कुमारी में मेरा प्रेम हो सकता है। यद्यपि महर्षि वाल्मीकि के निर्दोष वचनों से ही मुझे पूरा विश्वास हो गया है, तथापि जन समुदाय के बीच मिथिलेश कुमारी के विशुद्धता प्रमाणित होने पर मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। श्री रघुनाथ जी के सिवा किसी दूसरे पुरुष का मन से भी चिंता नहीं करती। यदि यह सत्य है तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। यदि मैं मन, वचन और कर्म द्वारा केवल श्री राम की ही आराधना करती हूं तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपने गोद में स्थान दे।
भगवान श्री राम को छोड़कर मैं किसी दूसरे पुरुष को नहीं जानती। मेरा कहना यदि सत्य हो तो भगवती पृथ्वी देवी इसी क्षण मुझे अपने गोद में स्थान दे। इस धरती पर परीक्षा देते देते अब मैं थक गई हूं। अब मुझे अपने साथ ले चल, मुझे अपने साथ ले चल मां। यहां नारी का आदर नहीं होता मां, मुझे यहां से ले चल। आओ मेरी पुत्री, मां की गोद तो पुत्री के लिए सदा खुली रहती है। आओ आओ, वहां तेरा कोई अपमान नहीं करेगा। आओ। आओ आओ पुत्री, मेरे पास आओ। चिंता मत करो पुत्री, हम अपने लोक में चलेंगे। ताई, माताजी, माताजी, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रही हैं? मैं तुम दोनों को तुम्हारे पिताश्री के हाथ सौंप रही हूँ। मनुष्य के लिए पिता ही सबसे बड़ा देवता है और पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। उनकी सेवा करना। माँ, माँ हमें क्षमा कर दो, माँ हमें क्षमा कर दो। माता, हमने जो आप पर मिथ्या लांछन लगाकर पाप किया उसके लिए हमें क्षमा कर दो। माता, क्षमा कर दो।
क्षमा कर दो माँ, क्षमा कर दो माँ, क्षमा कर दो माँ। भगवान तुम लोगों को सर्वदा सुखी रखे। महाराज से इतनी प्रार्थना है, इनके दोष भूलकर समस्त प्रजाजनों को लवकुश की भांति पुत्रवत प्रेम करें। समस्त गुरुजन, माताएं, पूज्य पिता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। रघुनंदन, यदि मेरे और भी जन्म हो तो मेरे समस्त जन्मों में मुझे आप ही पति रूप में प्राप्त हो, परंतु किसी जन्म में फिर ऐसी स्थिति न लाना, फिर ऐसी स्थिति न लाना प्रभु। अब किसी चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अब मुझे आज्ञा दे। नहीं सीते, तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरा समय पूरा हो गया है भगवान, अब मेरा मार्ग न रोके। पुत्री, अब चलो यहां से, ये संसार तुम्हारे योग्य नहीं है, चलो। Thank you.